मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इस क्विज का उद्देश्य यही है कि हम जो कुछ यहाँ से सीखें वो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सीखे, क्योंकि ईश्वर अंत तक हमारे साथ है। सभी को जय यीशु। मैं सोफिया, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, एक बार फिर स्वागत करती हूँ उत्तर भारत की आत्म धड़कन आत्मदर्शन। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड, द नेशनल फैमिली बाइबल क्विज 2023। Powered by Peter Clever Sisters and FCC Sisters, Amla Province, and co-powered by SVD Fathers, INC Province. तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी पहली टीम, टीम जॉन से अमल वर्गिस को, जो कि आए हैं इंदौर डायसिस मध्य प्रदेश से। मैं बुलाना चाहती हूँ टीम मार्क्स से, जो कि आए हैं इंदौर डायसिस मध्य प्रदेश से। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिसेस फिलोमिना एंथनी के लिए। हमारी थर्ड टीम जो कि आए हैं रायगढ़ ओडिशा से, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अश्रिता सुरेंग और मथियस कुल्लू के लिए। हमारी फोर्थ टीम जो कि आई है इंदौर मध्य प्रदेश से, तो जोरदार तालियां हो जाए सिसिली जोस एंड बीना टॉम के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे क्विज मास्टर, जो है थोड़े स्ट्रिक्ट थोड़े स्वीट, तो जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ फादर प्रीतम का, कि वो आए और हमारा क्विज शुरू करें। Thank you very much, Sophia, for introducing our contestants and welcoming us. प्यारे दर्शकों और प्यारे प्रतिभागियों, आप आत्मदर्शन में हैं। मैं फादर प्रीतम, आज के इस एपिसोड में आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सबों को। जय यीशु। आप लोगों को आत्मदर्शन के इस मंच पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी चकाचौंध है और बहुत ही हाईटेक और प्रोफेशनल सेट है, तो ये सब तामझाम देख के आप नर्वस मत होइएगा, क्योंकि हमारी तरफ से बहुत ही आसान सवाल पूछे जाएंगे, तो सहज महसूस करें। और हमारे आज के इस राउंड में आप बड़ी ही खुशी के साथ भाग लीजिए। मैं आप सबों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप इस बाइबल क्विज को बहुत ही अच्छे से खेलेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा यह बाइबल क्विज। इसमें कुल चार राउंड है। पहला राउंड है कंप्लीट द वर्ड्स, दूसरा राउंड है बजर राउंड, और तीसरा राउंड है रेफरेंस राउंड, और चौथा राउंड है ऑप्शन राउंड। हर एक राउंड के समय में आपको उसके नियम कायदे कानून बता दूंगा। आप लोग बड़े उत्साह उमंग के साथ खेलिएगा, क्योंकि आज का यह एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है आप लोगों के लिए भी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी। तो प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ, और यह राउंड है कंप्लीट द वर्स राउंड। इसमें हर एक टीम को दिया जाएगा एक एक सवाल, और ये सवाल ऐसा होगा कि आपको एक अधूरा पवित्र बाइबल का वचन दिया जाएगा, और आपको जो खाली स्थान है उसको भरना है और उसे पूरा करना है। बहुत ही सीधा सा सवाल है, सिंपल सवाल है। यदि आप उसका सही उत्तर देते हैं 30 सेकंड के भीतर, तो आपको मिलेगा 10 पॉइंट, और यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। तो ठीक है, हम यह राउंड खेलें। आपको नियम समझ में आ गया है?
क्लियर है? ओके, वी बिगिन फ्रॉम टीम मैथ्यू। पहला सवाल आपके लिए पूछा जाएगा आपकी स्क्रीन पर। यह पहला सवाल, डैश आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम कहाँ जाएंगे, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। बहुत ही सुंदर जवाब आपने दिया है, बहुत प्रसिद्ध पवित्र वचन है। प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और इसके साथ आपको मिलते हैं 10 अंक। बहुत सुंदर वचन है, प्रभु हम कहाँ जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। John 6:68। आप भी याद रखिएगा, हमारे व्यूवर्स भी याद रखें। इस राउंड का दूसरा सवाल होगा टीम मार्क के लिए, और हमारे टीम मार्क के मैडम बहुत ही खुश होकर के हमारे इस सवाल का स्वागत कर रहे हैं। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस पर इन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबास कहलाता था, और दूसरा यूस्तुस था, और मत्तियस को। तब उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर डैश। प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर डैश। अपने चिन्ह को प्रमाणित कर। अपने चिन्ह को प्रमाणित कर। 30 सेकंड है, आप और सोच सकते हैं। यह प्रकट होने दे। यह प्रकट होने दे। आपका समय समाप्त हुआ। और इसका सही उत्तर है आपके स्क्रीन पर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है। ये संदर्भ है मत्तियस को चुनने का। वहां पर प्रार्थना की गई और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु बताओ कि इन दोनों में से हमको किसको चुनना है। ठीक है, कोई बात नहीं, निराश मत होइएगा, अगले राउंड में आपको जरूर सही जवाब मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उसको प्रकट करेगा। विश्वास कीजिए। हम जाते हैं सेंट लूक की तरफ, और आपका सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, डैश मुझसे दूर हटो। डोंगियो, आपके पास 30 सेकंड से और इम्प्रोवाइज करेंगे तो। शैतान मुझसे दूर हटो। शैतान मुझसे दूर हटो। ठीक है, अभी आप 3 में से 1 डिसाइड कीजिए कौन सा। पापियो। पापियो, तो आपका उत्तर करेक्ट है। लेकिन वर्डिंग्स जो ट्रांसलेशन कामिल बुल के का है वो कुकर्मियो है, कुकर्मियो पापियो सही सेम होता है। तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। सही उत्तर है, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियो मुझसे दूर हटो। टीम जोन अकेले कंटेस्टेंट है, आर यू कंफर्टेबल? श्योर, यस। तो ये सवाल आपका आपके स्क्रीन पर। आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह डैश। अविश्वसनीय। वह अविश्वसनीय है। आप एक बार उसको वहां पर फिट करके पूरा सेंटेंस पढ़ के देख लीजिए, वो सही लग रहा है क्या? ओके, आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान। यह लिया गया है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7:11। तो इसके साथ हमारा यह राउंड समाप्त होता है। तो पहले राउंड की समाप्ति पर 2 टीमों के पास 10-10 अंक हैं, और 2 टीमों के पास अभी कुछ नहीं है, उन्होंने खाता नहीं खोला है। लेकिन ये राउंड आपके लिए लेकर आया है बहुत सारा खजाना। आप इसमें मालामाल हो सकते हैं और साथ में कंगाल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं एक सही उत्तर के लिए 20 पॉइंट्स। ठीक है, ये बजर राउंड है। इसके नियम
अच्छे से सुन लीजिए। तो बजर राउंड में कुल चार प्रश्न हैं, चार प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। जब भी आपको प्रश्न का जवाब मालूम है आप पहले बजर दबाएंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न एक साधारण सा सवाल है, ठीक है। आपके स्क्रीन पर वह डिस्प्ले किया जाएगा और साथ में मैं भी बोलूंगा। यदि आपको उसका उत्तर पता है आप 5 सेकंड तक बजर दबाइएगा, उसके बाद वेट करना। हम ये निश्चित करेंगे कि किसने पहले बजर दबाया है, फिर मैं आपको चांस दूंगा आपका उत्तर देने का, तब आप उसका सही उत्तर देना। बहुत ही सिंपल सवाल रहेगा, लेकिन आपको तैयार रहना है बजर दबाने के लिए। लेकिन यदि आपने बजर दबाया और आपने उसका गलत जवाब दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। सही जवाब देने पर 20 आपको मिल जाएंगे। आपने बजर दबाया और कुछ जवाब भी नहीं दिया तो भी हम ये मानेंगे कि आपने बजर दबाया नहीं, आप उसका जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आप दूसरों का चांस भी ले रहे हैं, तो भी आपका 20 माइनस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, खेलने के लिए तैयार? सो पहला सवाल इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाए। लूकस अध्याय 18 में फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में कौन कहता है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर? मैथ्यू की तरफ से पहले बजर दबाया गया है। हम मैथ्यू को चांस देते हैं प्रश्न और आप जवाब देने के लिए तैयार हैं तो बताइए कि किसने ये कहा था कि प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए? कोरोग्रही, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोरोग्रही, टैक्स कलेक्टर। ओके, टैक्स कलेक्टर जो कर ग्रहण करता है, इसलिए आपने शायद कोरोग्रही कहा उड़िया में। ओके, सो टैक्स कलेक्टर, योर आंसर इज करेक्ट एंड यू गेट 20 पॉइंट्स। बधाई। अगले सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरे सवाल में हम आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाएंगे। वह चित्र किसी दृष्टांत से संबंधित थे, दृष्टांत पैराबल्स, और आपको पहचान करना है कि वो पैराबल कौन सा है। यदि आप इतना उत्तर देते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और यह सही जवाब आपके लिए अगले सवाल के लिए दरवाजा खोलेगा। पहला जवाब आपने दे दिया, उसके बाद आपको चांस मिलेगा दूसरा जवाब देने के लिए। आपको दूसरा सवाल लेना है तो आप बोलना हाँ, तो आपको दूसरा सवाल दिया जाएगा। यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो उसको पास करना, क्योंकि यदि आप दूसरे सवाल का जवाब गलत देते हैं तो आपकी 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। समझ गए? हियर वी गो कंप्यूटर जी, इनके स्क्रीन पर दूसरा सवाल पेश किया जाए। ओके, फिर से सेंट मार्क ने ही बजर दबाया है तो आप इसका जवाब भी देंगे। महिला का खोया हुआ सिक्का ढूंढती है वो। महिला तो झाड़ू लगा रही है, वो आम आदमी पार्टी से है। सही उत्तर है, खोया हुआ सिक्का ढूंढ रही है। आपका उत्तर सही है और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अगला सवाल आप लेना चाहेंगे, ले रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल इस प्रकार से है कि ये एक दृष्टांत है कि कहां से लिया गया है। सिर्फ आपको बताना है, दृष्टांत तो सुसमाचारों में ही है, तो चार सुसमाचारों में से कहां से लिया गया है उतना ही बताना है, चैप्टर वर्स कुछ नहीं। संत मत्ती। आपने 10 पॉइंट कमाए थे गवा दिए और गवा दिए।
ये खोया 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 तीन बार आता है संत लूक में, खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेड़, खोया हुआ बेटा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 से लिया गया है। डोंट वरी, और चांस है इसी राउंड में दो, ठीक है। तो हम जाते हैं इस राउंड के अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में आपकी स्क्रीन पे एक मत्ती मार्कुस लूकस योहन 400 समाचार या फिर प्रेरित चरित्र से एक किसी घटना को प्ले किया जाएगा और आपको पहचान करना है कि वो घटना क्या है। व्हाट इज बीइंग प्लेड ऑन योर स्क्रीन। यदि आपको पता है बजर दबाएं, और बाकी सारे के सारे नियम दूसरे राउंड जैसे ही है, इसके भी दो भाग हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग भी सेम है। आर यू रेडी फॉर प्लेइंग? ओके, हियर वी गो। आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा आपका वीडियो। एक बार फिर से सेंट मार्क की तरफ से बजर दबा है। बताइए सेंट मार्क। पापी ने स्त्री को पत्थर मारने का दृष्टांत। आपने बड़ी जल्दी कर दी। पत्थर जरूर मारे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं, लेकिन लेकिन मैं बताऊं? नहीं नहीं, बता दिया, तीर निकल गया, अब वापस नहीं लौटेगा। तो यह स्टेफनस का है। ठीक है, आप 20 मार्क गंवा रहे हैं। अभी दूसरा सवाल, तो आप लोग बजट दबा सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा सवाल कौन लेगा? आप, ठीक है। स्टेफनस का पथराव करके मारा जा रहा था, यह हमने वीडियो में देखा। स्टेफनस कौन था? कलीसिया का पहला शहीद हुआ व्यक्ति। पहला शहीद, और उसकी दूसरी पहचान क्या है? जरूर वो प्रथम शहीद था, और ईश्वर का शिष्य था वो। किस प्रकार का शिष्य? उसे किसी चीज के लिए नियुक्त किया था, वो क्या है? वो नहीं पता। ठीक है, प्रथम शहीद, तो आपका उत्तर सही है और आपको मिलेंगे 10। सो यू स्कोर 10 पॉइंट इन दिस राउंड, एंड विद दैट वी गो टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। एंड इस राउंड में केवल एक ही सवाल है, सीधा सा सवाल है। वो सवाल क्या है कि आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है, आपको पता करना है कि कौन बोल रहा है, किसे बोल रहा है, हू सेड टू हूम। बजर दबाना है, आंसर देना है, ठीक है। ओके कंप्यूटर जी, इनको ऑडियो सुनाया जाए। चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। ओके टीम जोन, आपने बजर दबाया, आप इसका उत्तर दीजिए। यीशु ने कहा था अब्दूत, यीशु ने कहा था अब्दूत ग्रस से। ये बिल्कुल आपका उत्तर सही है, और आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, बधाई। और इसके साथ दूसरा राउंड समाप्त हुआ। दूसरे राउंड के समाप्ति पर मैं बुलाना चाहूंगा सोफिया को कि वो आए और हमारे दर्शकों को और हमारे कंटेस्टेंट्स को स्कोर सुना दे। थैंक यू फादर प्रीतम मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने स्कोर्स लेकर हाजिर। तो सेकंड राउंड के स्कोर कुछ इस प्रकार हैं। टीम मैथ्यू के स्कोर रहे 30। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम मैथ्यू। तो इसी के साथ हम टीम मार्क का पॉइंट जानते हैं, उनको स्कोर मिलता है। तो इसी के साथ हम टीम लूक पे जाते हैं, आपके सेकेंड राउंड के स्कोर पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम लूक। तो इसी के साथ टीम जॉन ने 30 पॉइंट्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जॉन। थैंक यू सोफिया हमें स्कोर बताने के लिए। हम जाते हैं अभी तीसरे राउंड की तरफ, जो है रेफरेंस राउंड।
और इसमें चिंता ज्यादा नहीं करना क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए इस राउंड को आप खेलिएगा जरूर। आपको दिए जाएंगे 30 सेकेंड आंसर के लिए। आपको एक पवित्र बाइबल का वचन दिया जाएगा, आपको उसका ग्रंथ, अध्याय और वचन संख्या बताना है। सही बताने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। यदि आप उसका उत्तर सही नहीं दे पाते हैं तो वह पास किया जाएगा, और पास होने पर आपके पड़ोसी यदि सही जवाब देते हैं तो उनको मिलेंगे 5 पॉइंट। वैसे ही आगे पास होता जाएगा और 5 पॉइंट मिलेंगे जो भी उसका सही उत्तर देते हैं। समझ गए आप इसके नियम? ओके, वेरी गुड। सो वी गो फॉर द थर्ड राउंड, द रेफरेंस राउंड। और पहला सवाल हम पूछेंगे संत जोन को। जोन, आपकी स्क्रीन पर आपका सवाल। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे तोड़कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोस दी जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही कहा। संत मार्कुस अध्याय 8। संत मार्कुस अध्याय 8 वाक्य संख्या 16-17। संत मार्कुस अध्याय 8 वाक्य संख्या 16-17। श्योर। आपने संत मार्कुस अध्याय 8 बिल्कुल सही बोला है, लेकिन वचन संख्या नहीं बता पाए हैं, इसलिए आपको मिलेंगे 7.5। लेकिन उसका लास्ट पार्ट बचा है तो हम पास करेंगे आपके लिए। यदि आपको उसका वर्स पता है तो बताइए। अध्याय 8 वर्स 20। वर्स 20। टीम मार्क, आप क्या बोलना चाहेंगे? 16 तो गलत हो गया पहले से ही। आप सेंट मैथ्यू बोल सकते हैं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। चलो वो नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। वर्स 6 मार्कुस 8:6। ओके, अभी हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है टीम लुक के लिए। और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। सेंट जोन। आगे इतना ही बोलेंगे, सेंट जोन। टीम मार्क ट्राई करेंगे? नहीं। टीम मैथ्यू, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? प्रेरित चरित अध्याय। टीम जोन, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? संत लूकस अध्याय चार। हमारी टीम लूक ने सही प्रयास किया पहले भाग के लिए। संत जोन में है ये, और बाकी ने इसका कुछ जवाब नहीं दे पाए हैं। सही जवाब हम आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है जोन चैप्टर 21:6। पुनरुत्थान की बात का ये दृश्य है जहां प्रभु यीशु समुद्र किनारे जाते हैं, फिर पेत्रुस और अन्य शिष्य वहां पर थे, उनको बोलते हैं कि आप जाल डालिए और बहुत मछलियां उसमें फंस जाती है। प्रेरित चरित में मछलियों को पकड़ने का दृश्य कहीं पर भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। अगला सवाल शुरू करेंगे टीम मैथ्यू की तरफ से। टीम मैथ्यू, आप रेडी हैं अगला सवाल लेने के लिए? आपकी स्क्रीन पर आपका सवाल।
पौलुस उतरा, उस पर लेट गया और उसे गले लगाकर बोला, आप लोग घबराएं नहीं, यह अब भी जीवित हैं। प्रेरित चरित, प्रेरित चरित आगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सेंट मार्क, सवाल आपके पास आया है। जी, प्रेरित चरित तो मालूम है, आगे नहीं मालूम। टीम लूक, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जॉन, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जरूर प्रेरित चरित से हैं, और प्रेरित चरित अध्याय 20 वचन 10 से लिया गया है। पहला भाग सही होने से टीम मैथ्यू को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। अभी अगला सवाल आ रहा है टीम मार्क के लिए। मार्क, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। वे कब्र में अंदर गईं और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। कहां से लिया गया है? मार्कुस से। मार्कुस से अंतिम अध्याय। मार्कुस से अंतिम अध्याय। आपका समय समाप्त हुआ। पास किया जाता है टीम लूक के लिए। सेंट जॉन। संत जॉन ट्वेंटी वन। संत जॉन 21। टाइम हो गया। टीम जॉन, आप बताइए। संत लूकस चैप्टर 21। ओके, हम पूछ लेते हैं मैथ्यू से एक बार, उनका क्या कहना है। संत जॉन 20। जॉन 20, तो इसका सही जवाब है संत मार्कुस। आपने सही कहा। और क्या आपको पता है संत मार्कुस में कितने अध्याय हैं? 16। तो अंतिम अध्याय क्या हुआ? 16। तो आपको उत्तर इसका पता है। आपको दिया जाता है 7.5। बधाई। तो इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड समाप्त होता है, और मैं बुलाना चाहूंगा सोफिया को कि वे आए और हम सबको, हमारे सभी कंटेस्टेंट्स का स्कोर बताएं। लगभग इस एपिसोड का आधा हिस्सा अब खत्म हो चुका है और बहुत कुछ चेंजेस भी देखने को मिले। तो चलिए जानते हैं राउंड 3 के बाद के स्कोर्स। तो टीम मैथ्यू को मिलते हैं राउंड 3 पे 35 पॉइंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम मैथ्यू। तो टीम मात, उनका टोटल स्कोर है अभी। तो इसी के साथ टीम लूक ने कमाए 15। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम लूक। तो इसी के साथ टीम जॉन के टोटल स्कोर है 37.5। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जॉन। सो डियर कंटेस्टेंट्स एंड द व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस एपिसोड के चौथे राउंड में, और ये राउंड है ऑप्शन राउंड। तो हमारे कंटेस्टेंट्स ने पिछले पूरे राउंड अच्छे से खेले हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बेहतर परफॉर्मेंस रहा है टीम जॉन का, और दूसरे नंबर पे हमारी टीम मैथ्यू। बाकी टीम्स के पास भी अभी चांस है, क्योंकि ये चांस है ऑप्शन राउंड का। और ऑप्शन राउंड में आपके सामने एक सवाल आपको दिया जाएगा, इसके उत्तर आप 3 स्तर पर दे सकते हैं। पहला लेवल जो है उसमें आपको एक प्लेन प्रश्न दिया जाएगा, और यदि आपको उसका उत्तर कंफर्म पता है तो आप उसका सीधे से उत्तर दे सकते हैं, तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स। यदि आप
कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसका क्या जवाब है, तो आप 20 सेकंड खत्म होने के पहले आपको ऑप्शन मांगना है। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से यदि आपको सही उत्तर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। यदि यहां पर भी आपको लगता है कि नहीं कंफर्म नहीं है तो एक और है लाइफलाइन 50-50 की, और उसमें दो गलत आंसर हटा दिए जाएंगे, आपके पास दो ही ऑप्शंस रहेंगे और उसमें से आपको जवाब देना है। तो यदि आपने बिना ऑप्शन के जवाब दिया आपको मिलेंगे 20 मार्क, और यदि आपने चूज किया है कि आप बिना ऑप्शन के ही जवाब देना चाहते हैं और आपने गलत जवाब दिया या कोई जवाब ही नहीं दिया तो -20। यदि आपने ऑप्शन लिया है तो ऑप्शन लेने पर आपको मिलेंगे सही जवाब के 10 पॉइंट्स, गलत जवाब के -10। और यदि आपने 50-50 लिया है तो आपको सही जवाब का मिलेगा 5 और गलत जवाब हो जाएगा -5। तो केयरफुली खेलना है लेकिन सही जवाब दे करके अच्छे अंक भी प्राप्त करना है। क्लियर? ओके, देन वी स्टार्ट फोर्थ राउंड, द ऑप्शन राउंड। इस बार कौन शुरू करना चाहेगा, पहला सवाल कौन लेना चाहेगा? कोई तैयार? कोई भी नहीं। ओके, टीम मैथ्यू पहला सवाल लेने के लिए तैयार है। यह रहा आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर, कफरनहूम के शतपति का नौकर किस रोग से पीड़ित था? What disease was the servant of the centurion of Capernaum suffering from? लकवा। आपने बिना ऑप्शन लिए जवाब देना चुना है, उससे आपको पता है क्या होगा? पता है? -20 हो जाएगा। तो आपके इस जवाब के कारण आपने 20 अंक कमा लिए हैं, क्योंकि यह उत्तर बिल्कुल सही है, लकवा रोग से पीड़ित था और आपने इसका सही जवाब दिया और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, आपको बधाई। अगला सवाल हम पूछेंगे टीम मार्क से। टीम मार्क, आप तैयार हैं? अपनी निगाहें स्क्रीन पे रखिए, स्क्रीन पे सवाल आएगा, सोचिए समझिए और जवाब दीजिए। यह रहा आपका प्रश्न। ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह किससे बड़ा है? ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह किससे बड़ा है? योहन से। योहन से। ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वो योहन से बड़ा है। कौन सा योहन? योहन बपतिस्ता। योहन बपतिस्ता से। और एक बार फिर से हमारी टीम ने बहुत ही सही जवाब दिया है और इनको मिलता है 20 पॉइंट्स। वे बहुत खुश हुए हैं क्योंकि बहुत गरीबी चल रही थी लेकिन अभी मालामाल हो गए हैं। बधाई। थैंक यू। अगला सवाल आ रहा है टीम लूक के लिए। टीम लूक, आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न। क्रूस पर जो दोष पत्र लगवाया गया था वो कितनी भाषाओं में लिखा हुआ था? तीन। तीन। सब लोग फटाफट जवाब दे रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि गलती करेंगे तो मार्क्स माइनस हो जाएंगे। कोई चिंता नहीं क्योंकि यह सवाल बिल्कुल सही है, तीन भाषाओं में था। हालांकि इसमें दूसरा सवाल तो नहीं है लेकिन बताएंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं? इब्रानी, लैटिनी, यूनानी। यूनानी, ओके, ग्रीक, लैटिन एंड हिब्रू। वेरी गुड। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप भी हासिल करते हैं 20 पॉइंट्स। तो आखिरी आखिरी में सबों ने बोला कि अब जाते जाते नहीं छोड़ेंगे, हम ये मार्क्स लेके ही रहेंगे। बधाई हो। टीम जोन, आपके लिए हमारे लास्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। योहन और पेत्रुस ने जिस लंगड़े व्यक्ति को स्वस्थ किया था उसकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन। ऑप्शन के लिए जा रहे हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर यह ऑप्शन, कंप्यूटर जी ऑप्शन दिखाइए। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 50-50 के लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय ले रहे हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। 50-50, 30 और 40। 30 वर्ष। आपने 30 और 40 में से 30 वर्ष
चुना है और 30 वर्ष इज रॉन्ग आंसर। और आपके माइनस 5। तो इसी के साथ प्यारे प्रतिभागियों और व्यूअर्स, हम आज का यह एपिसोड यहां पर समाप्त करते हैं। मैं आत्मदर्शन में आने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, और उससे भी बढ़कर आप लोगों ने प्रभु के वचनों को पढ़ा है, परिवार में बैठ करके रुचि दिखाई ईश्वर के वचन के प्रति, उसके लिए आप लोगों को बधाई धन्यवाद। आत्मदर्शन से जो आपका आत्मीय रिश्ता है वो इसी प्रकार बरकरार रहे, और प्रभु के वचन से आपकी जो आत्मीयता है वो भी बनी रहे। सबों को धन्यवाद, जय यीशु की। अब मैं आमंत्रित करता हूं सोफिया को कि वे आए और हमारे आज के इस पूरे एपिसोड का स्कोर हमको बताएं। काफी ही उतार चढ़ाव के बाद अब हमारे राउंड 4 के स्कोर्स कुछ इस प्रकार है। तो टीम मैथ्यू के टोटल स्कोर है 55, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम मैथ्यू। टीम मार्क के टोटल पॉइंट है 7.5, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम मार्क। इसी के साथ टीम लूक के मार्क होते हैं 35, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम लूक। आखिर में टीम जॉन के पॉइंट होते हैं 32.5, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जॉन। थैंक यू ऑल द टीम्स के आप यहां आए, बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन रहा। और अंत में मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगी, और उम्मीद है कि आप इस शो पे ऐसे ही बने रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें।